हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स मुंबई। रास्ते में जाते हुए मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखी है, जगह दिखी है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक पैलेस टाइप है। एग्जैक्टली इसका नाम मुझे नहीं पता है, बट देखने बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ बेंगलोर से नवी मुंबई कारगर। चलिए गाइस, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए इस ट्रिप को। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है जो कि है 1000 किलोमीटर, और ये मैं कवर कर रहा हूँ अपनी फेवरेट कार टाटा ऑल्टोस एक्सट्रीम वेरिएशन मॉडल है। तो इसी बहाने इस कार का टेस्ट भी हो जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है हाईवेज पे और इसका माइलेज वगैरह कैसे। ये देखिए, एक और ऑल्टो जा रही आगे। तो गाइस चलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ITPM की तरफ, तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ओडी सर्कल, और उसके बाद इसी रोड पर आगे जाएंगे तो हम तुमकुर की तरफ जाएंगे। तुमकुर क्रॉस करेंगे, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से टोल गेट आते हैं। तो ये रहा तुमकुर रोड, तो ऑलमोस्ट तुमकुर रोड हमने क्रॉस कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करिए इस रोड ट्रिप को। और यह है पहला टोल नीलमंगला का। अब हम इस टोल को क्रॉस कर चुके हैं और ठीक है, आज मौसम भी अच्छा सा लग रहा है, ज़्यादा धूप नहीं लग रही है और रोड बहुत खाली खाली है क्योंकि ये 6 लेन है हाईवे, तो आपको रोड बिल्कुल खाली मिलेगा। आज हम दोपहर को एक्चुअली थोड़ा सा लेट निकले थे, सुबह ऑलमोस्ट 12-1 बज गया था, तो मे भी बस तक पहुँचते लेट हो जाएगा नाइट। ये देखिए, ये आ गया सेकेंड टोल, बुलाइलू टोल प्लाजा। तो गाइस आप जब भी प्लान बनाए अगर जाने का, तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग निकले ताकि आपको रोड वगैरह सही मिले, खाली मिले। एक्चुअली मैं जिस टाइम निकला था अभी, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे निकलते निकलते, और ऑलमोस्ट मैं लंच टाइम ही समझ लिया कि निकल बैंगलोर छोड़ते उड़ते लंच टाइम हो गया था मेरा। और बस आप अगर जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आपको ठंडे ठंडे पहुंच जाएंगे। और मैं निकला लेट, तो अब मेरे को रात को एक्चुअली प्लान है मेरा कोल्हापुर स्टे करने का, क्योंकि पहुंचते पहुंचते मुझे लेट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे गूगल मैप दिखा रहा है 11-11:30 बज जाएंगे मुझे कोल्हापुर क्रॉस करते हुए पहुँचते हुए। तो गाइस, और हाँ, बीच में एक जगह पड़ती है आपका हुबली। तो हुबली क्या है कि वो सिंगल वे है, तो आप उसमें ज़रा ध्यान से अगर आप कोशिश करें कि दिन के टाइम में उसे क्रॉस कर सकें। रात में थोड़ा सा होता है डिफ़िकल्टी, कई लोगों को रात में चलाने में प्रॉब्लम होती है लाइट, और उसकी वजह से सामने सारे गाड़ियों की लाइट्स की वजह से। तो कोशिश करिए आप उस हुबली को दिन के टाइम में क्रॉस करें, उसके लिए आप इतना अगर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो इजीली आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये विंडमिल्स हैं। ये रही मम्मी, हाय। तो गाइस देखिए क्या नज़ारा है, बढ़िया एकदम। हाँ, पूरा आपको विंडमिल्स दिख रहा होगा, यहाँ देखिए।
और ये है थर्ड टोल हिपालू टोल प्लाजा। ठीक है अभी हम रुके हैं लंच के लिए। कुछ मीठा है, ये दही है और ये छोले की सब्जी है और ये भिंडी है और ये रोटी और ये कट राइस। और होटल देखा तो अच्छा है, ठीक है वहाँ का देखेंगे तो वहाँ का दिखाता हूँ। होटल का नाम है कल्पतरु वेज होटल है। अरे मम्मी तो चलिए गाइस पहले खा लेते हैं फिर ड्राइव करते कर लेते। अभी हुबली दिखा रहा है कोई 169 किलोमीटर दूर है तो मैं ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मम्मी है तो ऑलमोस्ट 80-100 मैक्सिमम 120 की स्पीड पे जा रहा हूँ। तो गाइज मेरा मकसद है रोड ट्रिप का एंजॉय करना तो मैं इसलिए ओवर स्पीडिंग नहीं चाहता। और आप लोग ये रहा था फोर्थ तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जाएं तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें ताकि किसी भी दुर्घटना का शिकार ना बने। बस अच्छे से जाए पहुँचे जहाँ पे आपको जाना है अच्छे से पहुँच जाए, रोड ट्रिप को एंजॉय करें, बेकार में ओवर स्पीडिंग के चक्कर में आप 5-10 मिनट के लिए देरी के चक्कर में कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस। तो जब भी ऐसे लॉन्ग हाईवे रोड ट्रिप पे जाएं तो पहली बार सारा को चेक कर लें गाड़ी प्रॉपरली निकलने से पहले ही कि टायर में हवा वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, पेट्रोल प्रॉपर है कि नहीं है, कोई और ऐसा कोई इशू तो नहीं हो रहा, कोई आपके इंजन में कोई लाइट्स वगैरह ओडोमीटर में कोई लाइट्स वगैरह तो शो नहीं कर रही हैं। तो ये सब एक बार निकलने से पहले थोरली चेक कर लें। मैं मानूंगा कि आप एक बार जब आप ऐसा कोई प्लान बना रहे हों तो एक बार आप निकलने से 1 वीक पहले या फिर 3-4 दिन पहले ही अपनी गाड़ी का एक बार सर्विस करवा लीजिए ताकि उसी में सब कुछ क्लियर हो सके। ये रहा हुबली का टोल। अब इसके बाद से सिंगल लेन है तो गाइस बस बी केयरफुल ऐसे रोड पे नाइट टाइम में खासतौर से क्योंकि सामने वाली लाइट आजकल सब LED लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी आंखों में एकदम चौंध पड़ती है और सामने का कुछ दिखता नहीं है। और रात का टाइम है तो वैसे भी यहाँ पे कोई लाइट्स है नहीं, स्ट्रीट लाइट वगैरह की फैसिलिटी इसमें नहीं दे रखा है तो खूब अंधेरा हो जाता है। तो गाइस बस संभल के चल। मुकली क्रॉस करके एक हाईवे पे एक ढाबे पे होटल है, अच्छा खासा होटल है। तो यहाँ डिनर कर रहे हैं, अभी ऑर्डर किया है लस्सी, क्या क्या आता है फिर देखते हैं। तो बने रहिए फिर ऐसे ही, आज हम यहीं पे कोल्हापुर, यहाँ से अभी 100 किलोमीटर दूर है तो हाँ कोल्हापुर में स्टे करेंगे और उसके बाद सुबह वहाँ से निकलेंगे नई मुंबई। बटर फुल्का, बटर फुल्का और अच्छा लग रहा है देखने में तो। और ये भिंडी मसाला साथ में प्याज, मज़ा आ जाएगा। मम्मी स्टार्ट कर लिया खाना, मैं भी स्टार्ट कर खा के फिर तो गाइज ये है उस रेस्टोरेंट का नाम, उधर ढाबा कह लो, खाना अच्छा था बस। और ये आपका हाईवे से यहाँ आते हैं और अब चलते हैं हम टूवर्ड्स कोलार।
टुवर्ड्स कोल्हापुर चलते हैं, बाकी के जर्नी करते हैं कोल्हापुर, वहाँ मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के गलियों में, और ये कोई शिवाजी चौक आई थिंक, होटल से निकले हैं, कैश खत्म हो गया था, सोचा एटीएम जाऊं, तो एटीएम भी ढूंढ रहा हूं मैं, वहाँ एटीएम जाता हूं, कुछ चीज़ें कैश लेता हूं, फिर रेडी होता है, फिर निकलते हैं उसमें कारगर के लिए। हाय फ्रेंड्स, तो ये है वो रूम जहाँ पे हमने रात को स्टे किया है। तो रूम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट्स ओके, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर रूम का एक टूर दिखाता हूँ। दिस इज एंट्रेंस, और एक टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। बड़ा सा मिरर लगा रखा है उन्होंने ड्रेसिंग के लिए, फिर इधर वॉशरूम है, इस साइड वॉशरूम, ये आपका वॉशरूम हो गया, और ये बेड हो गया आपका, एसी है, और ये कपड़े भी हो, बाकी ऊपर अच्छा वर्क है, नाइस, देखने में लुक अच्छा है, नाइस। बस अब थोड़ी देर में यहाँ से मम्मी एक बार रेडी हो जाते हैं, बस निकलते हैं और फिर जारी करते हैं अपना टूर टूवर्ड्स कारगर नवी मुंबई। सी यू आई। अभी चला रहे हैं हम एक्सप्रेस पे, हम एक्सप्रेस पे गाड़ी बजा रहे हैं कारगर, तो आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने पहले सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में ही दिखाऊंगा, लेकिन ड्राइव करते टाइम वीडियो ना बनाऊँ, इसी के लिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था ड्राइव करते हुए, बट अभी आपको दिखाता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं रीच होने वाला हूँ कारगर, तो सारे पूरे जो सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेस वे का, पुणे एक्सप्रेस वे का। अरे गाइस क्या मस्त लग रहा है, इधर देखिए, अरे इधर भी देखिए, गाइस ये एक्सप्रेस वे है, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं
अपने डेस्टिनेशन में। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये ट्रिप पसंद आया, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।